जी ने महिला आरक्षण का पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन ये सोशलिस्ट से बोलने वाले जो लोग है, जो लोग आज इंडिया आघाड़ी में है, वही लोग मतलब महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लोग है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई है, ओबीसी समाज के माननीय मोहन यादव जी को यहाँ का मुख्यमंत्री पद मिला है, डिप्यूटी सीएम पद एक हमारे दलित समाज के नेता को भी मतलब मिला है, और सभी वर्गों को न्याय देने का काम किया है। मतलब छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के जो हमारे साथ केंद्र में मंत्री थे विष्णु देव साय, तो उनको मतलब वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया है। राजस्थान का मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज का बनाया है। तो सभी समाज को साथ में लेकर जाने की कोशिश है। और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है, पहली बार देश के इतिहास में ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बना है। ये कांग्रेस पार्टी को जज नहीं रहा है, ये कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ है और उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर पूरे देश भर में हम मतलब उनके साथ है, और मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर मेरी पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है, और 29-29 सीटें चुनकर लाने के लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। एक एक करके बारी बारी से रिपब्लिकन पार्टी इंडिया का मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत वोट प्रतिशत है, कितना जनाधार है, एक थोड़ा सा? ठीक है, जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतना सपोर्ट हम करेंगे, और अभी हमारी पार्टी बढ़ाने की कोशिश चल रही है, सभी वर्गों को पार्टी में लेने की हमारी कोशिश है, और जनाधार तो बढ़ाने की कोशिश हमारी है। सर, मोदी जी की इतनी प्रचंड लहर के बीच में मोदी जी के भविष्य में मतलब जो ओरिजिनल पार्टी है, जो ओरिजिनल स्टेट लेवल की पार्टियां है, जहाँ वो है ये पार्टियां, जहाँ तमिलनाडु में डीएमके है, हमारे उड़ीसा में नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल है, बाकी जगह पर क्षेत्रीय पार्टियां है। जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो टिकर रहेगी, और नहीं अच्छा काम करेगी तो वहाँ बीजेपी की सरकार आएगी। अभी ममता बनर्जी के स्टेट में बहुत गुंडागर्दी चल रही है, और कम्युनिस्ट के जमाने में भी इतनी गुंडागर्दी नहीं थी, उससे ज़्यादा गुंडागर्दी अभी ममता जी के टाइम पर हो रही है। वहाँ मतलब ईडी के लोग, सीबीआई के लोग, एनआईए के लोग जाते हैं तो उनको उनके ऊपर पथराव किया जाता है, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। उनको इंक्वायरी करनी तो आपके पास तो कोर्ट में रखने का आपको अधिकार है, लेकिन इसी तरह की गुंडागर्दी वहाँ चल रही है। गोविंद भाई, इनके बाद गोविंद जी, एक मिनट, इनके बाद हाँ, आपने दो दिन पहले स्टेटमेंट किया कि अगर एनडीए ने संविधान बदलने की कोशिश करी तो वो आप उनसे समर्थन छीन लेंगे, आपके इस दावे में कितना परसेंट है? 70-30, 50-50? नहीं, मैंने बोला था कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जब उनका नाम एनडीए के लीडर के नाते अनाउंस हुआ था, तब सेंट्रल हॉल में बहुत बड़ा संविधान का किताब रखकर उन्होंने संविधान को माथा टेका था, और जो काम कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं बाबा साहब का संविधान मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिया आघाड़े वाले जो है ये रोज बात करते हैं कि भाई संविधान बदलेगी, दलित समाज में माइनॉरिटी में गुमराह करने का काम ये करते रहते हैं। एक बाजू में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और भारत तोड़ो का काम करते हैं, जहाँ न्याय यात्रा निकालते, जब हाथ में सत्ता दी तब न्याय नहीं दिया, अभी आपके हाथ में सत्ता नहीं है कि क्या न्याय देगी आप? तो इसी तरह मुझे लगता है कि मैंने ये बोला था कि संविधान बिल्कुल बदलने वाला नहीं है, कोई भी नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं सत्ता के लिए मैं बीजेपी के साथ हूँ, ऐसा नहीं है, मैं विचारधारा लेकर मैं बीजेपी के साथ हूँ, और अगर ऐसा संविधान बदलेगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा, ऐसा मैं बोला था। मतलब संविधान बदलने का विषय नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कल नागपुर में पूरा स्पष्ट किया है कि मैं संविधान मजबूत कर रहा हूँ, मैंने 370 आर्टिकल हटाकर जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू किया है, और ये काम मैंने इतना किया, बाबा साहब का सपना था
कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, वो निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी बात वो हमेशा करते रहते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने की अफवाह फैलाने का काम ये करते हैं, समाज को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला था कि भाई मैं कोई सत्ता के लिए सत्ता में नहीं हूँ, मैं समाज के लिए सत्ता में हूँ, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं तो मंत्री बनूंगा ही। गोविंद गुर्जर जी, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े किए हैं कि ईवीएम के जरिए लोकसभा चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और उनके सवालों के जवाब ईसीआई नहीं दे रहा है। क्या बोले दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पे सवाल खड़े करे और चुनाव आयोग का जवाब नहीं दे रहा, दिग्विजय सिंह ने कहा आज? नहीं, मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन कोई नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं लाई है, ईवीएम मशीन कांग्रेस के कार्यकाल में आई है, और जो बैलेट पेपर पर जो वोटिंग होता था उसके लिए काउंटिंग के लिए बहुत टाइम लगता था, फिर वो सब देखने के लिए बहुत टाइम लगता था। अभी वो जो ईवीएम मशीन होती है वहाँ नाम रहता है या सिंबल होता है, वो बटन दबाएंगे तो सेकंड के अंदर वो वोट होता है। तो ये देश दुनिया में कई देशों में ये सिस्टम थी, तो कांग्रेस के कार्यकाल में ये सिस्टम आई है, मोदी साहब ने सिस्टम नहीं लाई है। और जब तुम्हारा वायनाड में जब राहुल गांधी चुनकर आते हैं तो वहाँ मशीन अच्छी रहती है, लेकिन अमेठी में जब हारते हैं तो मशीन बिगड़ी हुई रहती है। तो ये तो बात अच्छी नहीं है। जब राजस्थान में आप 5 साल पहले तुम सत्ता में आए, मध्य प्रदेश में सत्ता में आए, छत्तीसगढ़ में आप सत्ता में आए, तो वो तब मशीन अच्छी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन पर ऐसे सवाल उठाते हैं, और निर्णय लेना है तो ले लो, अगर बैलेट पेपर का निर्णय लेना है तो भी ले लो, वो हम ले लेंगे तो हमारा वोट और भी ज़्यादा पड़ेगा। जो हमारे कुछ वोटों से कुछ लोग हारते वो भी चुनकर आएंगे, क्योंकि तुम्हारी जैसी मशीन बिगड़ी हुई रहती है तैसी हमारी मशीन बिगड़ती है कभी कभी। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं ईवीएम मशीन का, जब निर्णय होगा तो बैलेट पेपर के लिए भी हम तैयार है, हमारी कुछ हम डरते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आठवले साहब, आठवले जी का रुख तय करता है कि सरकार किसकी बन रही केंद्र में, इस बार स्पष्ट है? नहीं, नहीं, मुझे पॉलिटिकल हवा का रुख मालूम होता है कि भाई हवा किन से दिशा से बहने वाली है, लेकिन बात ये सही है कि कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप करते हैं कि भाई जिनकी सत्ता होती है वहाँ आठवले होते हैं, लेकिन जहाँ आठवले होते हैं वहाँ सत्ता होती है। तो हमारा जो वोट बैलेंसिंग वोट है, छोटा छोटा भी हमारा वोट हो, लेकिन हम हर जगह पर जिनके साथ रहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी के साथ भी थे तब उनकी सत्ता आती थी, और मैं जब बाहर निकला तो उनकी सत्ता चली गई है, और इन्होंने गुस्से से मेरा सामान बाहर निकाला था। मैं 2009 में शिरडी से लड़ा था और मुझे कांग्रेस पार्टी ने उधर हराया था, और बाद में मेरा मकान एटी लोधी स्टेट था, खान मार्केट के सामने, तो मैं एक 3-4 महीना में 6 महीने का भाड़ा भरकर सामान खाली करने वाला था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का अलायंस तोड़कर मैं गया था। हमने रिपब्लिकन लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट बनाई थी, थर्ड फ्रंट बनाई थी, तो मेरा सामान लॉक निकाल कर मेरा सामान बाहर निकाला था। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, कितना भाड़ा 4-4, 10-10 साल लोग रहते वहाँ, कई लोग पहले रहते थे उनका किराया ना नहीं लेते थे, लेकिन मैं किराया भरने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी ताले को बंगले को ताला लगाना चाहिए था, बंगले के अंदर का सामान मेरा कैसे निकाल सकते हैं ये। मैं रॉबरी की केस डालने वाला था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं कोर्ट जाने के लिए, इसलिए मैंने डाला नहीं होके, लेकिन मेरा सामान पूरा बाहर निकाला। बाबा साहब की मूर्तियाँ थी, बुद्ध की मूर्तियाँ थी, किताब थे, मेरे कपड़े थे, तो पूरा इन्होंने सामान बाहर निकाला एकदम। हमने किधर तो एक आदमी के पास मैंने रखा था वो सामान मेरा। इसी अनुभव के आधार पर राहुल गांधी का सामान निकलवाया? हाँ, राहुल गांधी का सामान निकलवाया? नहीं, राहुल गांधी का तो सामान नहीं निकलवाया, वो तो जब कोर्ट का जजमेंट आया ना, वो तो गुजरात कोर्ट का जजमेंट आया, उनकी मेंबरशिप खत्म की, उसके बाद राहुल गांधी को नोटिस दिया था कि भाई आप बंगला खाली करो, मतलब उनका सामान वगैरह बाहर निकाला था ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को बाहर निकाला था, बंगले के बाहर राहुल गांधी को निकाला था, सामान नहीं निकाला था। मैं तो बंगले के बाहर निकला ही था, लेकिन मेरा सामान क्यों निकाला? चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जी।
नहीं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अभी रिपब्लिकन पार्टी ने 2 सीट मांगी थी, लेकिन मेरी राज्यसभा 2026 तक है, और जो शिरडी सीट में मांग रहा था वहाँ बीजेपी वो सीट देने की तैयारी में थी, लेकिन वहाँ माननीय एकनाथ शिंदे जी जो मुख्यमंत्री है उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सदाशिव लोखंडे वो उनके साथ आए थे, 13 एमपी उनके साथ आए थे, उसमें से मतलब वो बीजेपी शिवसेना के 18 एमपी थे, और तो मतलब वो सीट जो है तो सदाशिव लोखंडे वहाँ है, तो वो मान नहीं रहे थे कि भाई वो सीट हम छोड़ेंगे, तो इसलिए मुझे सीट मिली नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और इस वक्त हमारा नारा है 45 से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, और मोदी जी ने आह्वान किया है कि भाई 48 सीटें मिलनी चाहिए, उसके लिए ज़रूर हमारी महायुति जो है, जो एनडीए हमारी है महाराष्ट्र की, वो कोशिश कर रही है और सभी सीटें जीतने का हमारा प्लान है। एमपी में छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ की कभी जीत नहीं पाते हैं, जो महाराष्ट्र से लगी है छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ की कभी भी जीत नहीं पाती बीजेपी, मोदी लहर में 2014 में भी नहीं जीत पाई, अब इस बार क्या लग रहा है? नहीं नहीं, इस बार मोदी सरकार, मतलब इस बार 400 बार और छिंदवाड़ा की करेंगे हम हार। चलो देशमुख जी, लास्ट लास्ट सीट नहीं दिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से काम होता है, वहाँ डिफिकल्टी थी, मतलब उनको बीजेपी की कोशिश थी कि भाई मुझे सीट देनी चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के साथ जो एमपी आया था उनको आश्वासन दिया था उन्होंने कि भाई आपको बाद में सीट मिलेगी, और उनको नहीं देते थे तो उनके ऊपर अन्याय होता था, इसीलिए जब टेक्निकल डिफिकल्टी मैंने देखने के बाद मैंने इस मुद्दे को स्वीकारा कि चलो मेरी राज्यसभा मुझे दे दो बाद में, और मुझे कैबिनेट मंत्री पद देने के लिए विचार करो, आप मोदी साहब से बात करो, मैं भी बात करूंगा, लेकिन देवेंद्र जी को मैंने बोला है कि भाई आप महाराष्ट्र की तरफ से मतलब बात करो कि भाई इन्होंने को एक भी सीट नहीं दी है, लेकिन विधानसभा में आरपीआई को 8-10 सीटें देने के बारे में, महाराष्ट्र में एक मंत्री पद, एक एमएलसी और सत्ता में भागीदारी देने का भी आश्वासन मुझे दिया है, इसीलिए मेरे कार्यकर्ताओं के लिए मैंने सीट पर मतलब ज्यादा आग्रह किया था, लेकिन मैंने वो आग्रह से छोड़ दिया है। प्रकाश अंबेडकर जी का मतलब वो बाबा साहब के ग्रैंड सन है, और ये जो इंडिया आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी ने उनका अपमान करने का काम किया, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था कि मैं आपके आघाड़ी में, महाविकास आघाड़ी में आना चाहता हूँ, इंडिया आघाड़ी में आना चाहता हूं, लेकिन उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे दिया गया, उनका अपमान करने का काम ये महाविकास आघाड़ी ने किया है, इसलिए उन्होंने मतलब महाविकास आघाड़ी पर में न जाने का निर्णय लिया, नहीं न जाने का निर्णय लिया नहीं, उन्होंने न लेने का निर्णय लिया महाविकास आघाड़ी ने, इसीलिए उन्होंने अपने बलबूते पर 48 सीटें लड़ने का निर्णय लिया है, मतलब कुछ सीटें लड़ रहे हैं, कुछ किधर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर ने जो निर्णय लिया है वो सही नहीं निर्णय है, और वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद।